गाइस यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरा लोन अप्रूव हुआ है वो यहाँ पे अप्रूव हुआ है 25,000 रुपये का। यहाँ पे हमने डिटेल अपने भरी थी, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और सेल्फी, उसके बेसिस पे हमें ये लोन मिला है। और यहाँ पे मेरी EMI भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम 9 महीने की कस्टमाइज या फिर कर सकती है EMI, फिर 7 महीने की, अपने हिसाब से जो भी EMI बनवाना चाहे बनवा सकते हैं। तो गाइस ये है 2024 की नई पर्सनल लोन एप्लीकेशन जिसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलता है। तो गाइस लोन लेने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन जो डाउनलोड करना है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले डिटेल आपको फिल करनी होगी, मोबाइल नंबर और सबको एंटर करने के बाद जो मेन डिटेल शुरू होती है वो आपको बताते हैं। पहले आपको फुल नेम एंटर करना है जो आपके पैन कार्ड पे हो, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है जो आपके पैन कार्ड पे हो, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे वर्क डिटेल आपको बताने क्या करते हैं। अगर आप सैलरीड है तो आपको सैलरीड सेलेक्ट करना है, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, या फिर अगर आप स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं तो अदर्स चूज कर सकते हैं। ओके, फिर आपको महीने की कमाई बतानी कि आप कितना महीने में कमाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली परमिशन को अलाउ करना है तो आपको अग्री पे क्लिक कर देना होगा, उसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो है फेचिंग बेस्ट ऑफर्स फॉर यू लिख के आता है, तो जो आपने पैन कार्ड एंटर किया है नंबर उसी के बेसिस पे ये कंपनी डिसाइड करेगी कि आपका सिविल चेक करके कि कितने का आपको लोन देना चाहिए। ओके, जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है तो इसमें 1-2 मिनट का वेट करना है, फिर डिटेल आपकी वेरीफाई हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पे कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे 25,000 रुपये का यहाँ पे लोन अप्राई हो गया है। ओके, अप्रूव हो चुका है जो कि अपने बैंक में ले सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं गाइस मेरा लोन कितने से कितने रुपए का है। पहले यहाँ पे दिखाना चाहेंगे 10,000 रुपये स्टार्टिंग लिमिट है कि हम 10,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये का जो है लोन हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे गाइस दिखाना चाहेंगे प्रोसेसिंग फीस, यहाँ पे 0% है, फोरक्लोजर चार्जेस 0%, कुछ भी नहीं लगेगा आपको, 0% फोरक्लोजर चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस भी 0 है। ओके, EMI भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपको कितने महीने के लिए चाहिए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जो भी आप सेलेक्ट करना है कर सकते हैं। ओके, इतनी सहूलियत इस ऐप में मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट, तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हम 25,000 रुपये का जो लोन अप्लाई करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट। ओके, अब लोन लेने के लिए गाइस क्या करना है आपको, यहाँ पे जो आपको नीचे दिखेगा ऐड बैंक डिटेल का सेक्शन, इसमें आने आपको, और यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल ऐड करनी जिसमें आपके लोन के पैसे जाएंगे, तो आपको अपने ही बैंक अकाउंट ऐड करना है, उसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपसे डिटेल बोली जाएंगी, तो आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है आपका जो सा भी हो। ओके, उसके बाद IFSC कोड एंटर करना है, फिर अकाउंट नंबर एंटर करना है, आपका खुद का होना चाहिए वो। ओके, और फिर उसी में लोन के अमाउंट के पैसे आएंगे। ओके, तो ये डिटेल फिल करना है, उसके बाद आना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करा गए तो यहाँ पे गए देख सकते हैं 25,000 रुपये का यहाँ पे लोन है। ओके, इंटरेस्ट रेट 33.9% का लग रहा है। इस लोन को हम 9 महीने के लिए ले रहे हैं। ट्रांसफरेबल अमाउंट यानी आपके बैंक अकाउंट में कितने आएंगे, तो मेरे बैंक अकाउंट में 25,000 रुपये आएंगे। ओके, लोन लेना चाहते उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको, और डिटेल्स को फिल कर देना है। डिटेल फिल करते ही गाइस आपके बैंक अकाउंट में जो है लोन अमाउंट जो है थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कभी कभी 5-10 मिनट के अंदर, कभी कभी 1 घंटा भी लग सकता है। ओके, तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं।